नागरिकता कानून को लेकर चल रहे विरोध के बीच जापान के पीएम शिंजो आबे का भारत दौरा टल गया है। गुवाहाटी में पीएम नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे के बीच शिखर सम्मेलन होना था। 15 से 17 दिसंबर को दोनों नेताओं के बीच होने वाली शिखर सम्मेलन की तैयारियां भी पूरी की जा चुकी थी, लेकिन कुछ समय बाद दोनों नेताओं के बीच शिखर सम्मेलन की तारीखों का एक बार फिर से ऐलान कर दिया जाएगा। जापान के प्रधानमंत्री का दौरा टलने के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को लेकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि ये देश के लिए काला धब्बा है। इसके अलावा पंजाब और केरल की सरकार के विरोध के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने भी अपने राज्य में नागरिकता कानून को लागू करने से इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी ने इस कानून के खिलाफ कोलकाता में कल एक बड़ी रैली का आयोजन भी किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के रेप इन इंडिया वाले बयान पर आज संसद में जोरदार हंगामा देखा गया, जिसके बाद राहुल गांधी मीडिया के सामने आए। पीएम नरेंद्र मोदी पर हिंसा कराने के आरोप राहुल की ओर से लगाए गए। इसके साथ ही राहुल ने अपने रेप वाले बयान को एक बार फिर से दोहराया और राहुल ने कहा कि मैं अपने बयान पर माफी नहीं मांगूंगा। देश को मुद्दों से भटकाने के लिए मेरे बयान पर बवाल किया जा रहा है। पीएम मोदी ने भी एक बार दिल्ली को रेप कैपिटल कहा था। राहुल गांधी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट को जला दिया गया है। बवाल, बेरोजगारी और मंदी से ध्यान भटकाने के लिए हमारे बयान को मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन मैं इस बयान को लेकर माफी नहीं मांगने वाला। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को रेप कैपिटल कहा था। मैंने इतना कहा था कि पीएम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन जहां देखो रेप इन इंडिया बन चुका है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और लिखा कि मोदी को माफी मांगनी चाहिए पूर्वोत्तर को जलाने के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए, इस भाषण के लिए जिसकी एक क्लिप मैं शेयर कर रहा हूं। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि आज पूरे देश में हिंसा हो रही है, पूर्वोत्तर में हिंसा हो रही है, कश्मीर में हिंसा जारी है। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के मीडिया सेल के इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पीएम नरेंद्र मोदी का एक पुराना वीडियो शेयर किया है और दिल्ली को रेप कैपिटल बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को रणदीप सिंह सुरजेवाला के अलावा काफी ट्विटर यूजर की ओर से शेयर किया गया है। तो रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया और लिखा कि मोदी जी, देश में फैली अराजकता से ध्यान बांटने के लिए आप खुद ही संसद नहीं चलने दे रहे हैं। सुरजेवाला ने लिखा कि जान ले, देश की बेटियां रेप मनमानी के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई चाहती हैं। रेप इन इंडिया मंजूर रखे, इस बारे में खुद का बयान भी सुन लीजिए। अगर ये सही नहीं है तो खुद भी माफी मांगिए। निर्भया गैंगरेप मामले को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई टल गई है। दोषियों के डेथ वारंट जारी करने की मांग पर जज ने कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से जानकारी मिली है कि अक्षय की पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। इस पर 17 दिसंबर को सुनवाई होगी। सुनवाई को टाल दिया जाता है। अब इस मामले में 18 दिसंबर को सुनवाई होगी। सुरक्षा कारणों के चलते चारों दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान निर्भया के वकील ने कहा कि फांसी की तारीख तय होनी चाहिए। दया याचिका लगाने से डेथ वारंट जारी करने का कोई लेना देना नहीं है। दया याचिका लगाने के लिए डेथ वारंट को रोका नहीं जा सकता। गुरुग्राम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की और अध्यक्षता मुख्यमंत्री की ओर से की गई। मुख्यमंत्री ने कुल मिलाकर 12 शिकायतें भी इस बैठक के दौरान सुनी। बैठक के दौरान प्रदूषण को लेकर डीजल ऑटो पर सबसे पहले चर्चा की गई। बैठक में 10 साल पुरानी डीजल ऑटो को हटाने का जो विषय है, इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही सीएम ने डीजल ऑटो हटाए जाने को लेकर पूरी रिपोर्ट भी मांगी है। बैठक में सीएम मनोहर लाल ने लेजर वैली ग्राउंड में अवैध पार्किंग वाले मामले को लेकर भी संज्ञान लिया। साथ ही शहर में ट्रांसपोर्ट नगर पर विस्तार से चर्चा की गई। ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर सीएम की ओर से पूरी रिपोर्ट मांगी गई है।
इसके अलावा हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को यूके के आर्मी डेलीगेशन ने सम्मानित किया है। यूथ आइकन 2019 के तौर पर दुष्यंत को सम्मानित किया गया। दुष्यंत चौटाला की ओर से कहा गया, मैं सारागढ़ी फाउंडेशन का आभारी हूं, साथ ही सारागढ़ी में मेमोरियल बनाने वाले कदम उठाए जाने को लेकर भी उनकी ओर से बात कही गई। इसके अलावा डीपीसीएम ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से काम को लेकर जानकारी मांगी है। दुष्यंत ने कहा कि विभाग को 6 महीने के अंदर डिजिटल करने को लेकर प्रयास जारी है। डिप्टी सीएम ने कहा, ट्विटर के माध्यम से सड़कें दुरुस्त की जाएंगी, ऐसे में लोकेशन की फोटो ट्विटर हैंडल पर टैग कर पोस्ट करनी होगी। इसके साथ ही हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अपने विधानसभा क्षेत्र अंबाला छावनी में सुभाष पार्क का औचक निरीक्षण किया। पार्क को 18 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। खास बात ये रखी, जो कि आप अपनी तस्वीरों में भी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बरसात और कीचड़ के बीच अनिल विज एकाएक सुभाष पार्क में पहुंचे। 16 एकड़ में बनने वाले सुभाष पार्क के कोने कोने का जायजा लिया गया, साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी अनिल विज की ओर से दिए गए। इसके अलावा बेरोजगारी, मंदी और किसानों की समस्या को लेकर कांग्रेस दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को बड़ी रैली करने जा रही है, जिसको नाम दिया गया भारत बचाओ रैली। रैली में कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत हरियाणा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। पार्टी पदाधिकारी स्वाभाविक तौर पर होंगे, पार्टी के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 14 दिसंबर को भारत बचाओ रैली की तैयारियां पूरी हैं, साथ ही कहा कि राष्ट्रीय स्तर की रैली है, जिसमें देशभर के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। साथ ही दिल्ली में हुड्डा की ओर से कहा गया कि हरियाणा के लिए अलग से बैठक की गई है, हरियाणा से बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। हरियाणा में बेहतर कानून व्यवस्था बनाने के लिए जल्द ही पुलिस विभाग में भर्तियां होंगी, इसे लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस बल की ताजा गणना करने के निर्देश दिए। अनिल विज ने कहा कि इस मामले में पूरी समीक्षा की जा रही है, रिपोर्ट मिलते ही कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा गुरुवार को गृहमंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता की है, जिसमें अनिल विज ने कहा कि कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जल्द ही पुलिस विभाग की भर्तियां की जाएंगी। विज की ओर से कहा गया कि उनके पास रोजाना 500 से 600 शिकायतें आ रही हैं, जिसमें ज्यादातर पुलिस से जुड़ी शिकायतें हैं, इसलिए सभी जिलों में पेंडिंग FIR की संख्या और लंबित समय अवधि की जानकारी भी मांगी गई है। गृहमंत्री ने कहा कि देश के इतिहास में 11 दिसंबर का सुनहरी दिवस रहा है, जब मूल भारतीय नागरिकों को उनकी नागरिकता का अधिकार हासिल हुआ है। इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बधाई के पात्र हैं। इसके साथ ही चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग यानी कि CTU की शहर में चलने वाली AC और मिनी बस में अब ऑर्डिनरी बसों जितना ही किराया लगेगा। ये छूट 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक 2 महीने रहेगी। दरअसल CTU की SML और मिनी बसों में ब्लॉर की सुविधा उपलब्ध है, जिसके चलते इन बसों में 2 महीने के लिए किराया कम किया गया है। चलिए बात करेंगे जेएम की, जहां देर रात हुई बरसात ने ठिठुरन बढ़ा दी है, उसके साथ ही फसलों को लेकर ये बारिश अपने आप में वरदान साबित हुई। हल्की बरसात से किसानों की गेहूं, सरसों, चना, सब्जी समेत कई फसलों को बड़ा फायदा मिलेगा। किसानों ने कहा कि बारिश के साथ ओले आते हैं तो नुकसान स्वाभाविक तौर पर होता है। पानीपत की औद्योगिक नगरी में जाम की समस्या आम बात हो गई है। लगातार पुलिस विभाग जागरूकता अभियान चलाने के बाद भी लोग बाज आते नजर नहीं आए, रोजाना लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। इस दौरान पानीपत पुलिस ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। GT रोड पर अवैध वाहन पार्किंग करने वालों की अब खैर नहीं होगी, और कुछ ही देर बाद वाहन खड़ा किया तो ट्रैफिक पुलिस आपका वाहन उठा भी ले जाएगी।
वहीं रादौर के गांव बुबका में सड़क मार्ग का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। विभाग की ओर से कई महीने से पत्थर डालकर कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ रही है। सड़क पर पत्थर होने के चलते कई बार लोग चोटिल भी हुए हैं। विभाग को शिकायत दी गई है और आश्वासन के अलावा विभाग की ओर से कुछ हासिल नहीं हो पाया है। फिलहाल ये मामला एसडीएम तक पहुंचा है, जिसके बाद गांव के लोगों को इस सड़क के निर्माण कार्य में तेजी की उम्मीदें एक बार फिर से बंधी है। चरखियादरी में चोरों ने एक मोबाइल की दुकान को अपना निशाना बनाया, जिसे करीब 3.5 लाख के एंड्रॉइड मोबाइल चुराए गए। चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। फिलहाल पुलिस सीसी फुटेज के आधार पर मामले की जांच पड़ताल में भी जुट गई है। साथ ही चरखियादरी के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के बाहर एक अधेड़ ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाई खुदकुशी कर ली। डीएसपी शमशेर दहिया ने अस्पताल पहुंचकर पुलिस को कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। वहीं हिमाचल में अलग अलग जगहों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। सिरमौर के ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले 2 दिनों से लगातार बर्फबारी का सिलसिला है, जिसके चलते जनजीवन भी प्रभावित हुआ। नौहराधार और इसके अलावा हरिपुर धार की अगर बात की जाए तो यहां रात को करीब 2 इंच से भी ज्यादा बर्फ गिरी है। सुबह से इन इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है।